मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भाजपा में गुटबाजी जारी है। दो खेमों में बटी भाजपा को एक करने के लिए आलाकमान ने फिर से कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, वरिष्ठ नेता टी एच विश्वजीत सिंह और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता वाई खेमचंद को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली से बुलावा मिलने के तुरंत बाद विश्वजीत सिंह और वाई खेमचंद आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं एन बीरेन सिंह दोपहर 3 बजे इम्फाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही बीरेन सिंह और विश्वजीत सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी। बीरेन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। इस बीच बीरेन सिंह सहित प्रदेश के 3 वरिष्ठ नेताओं को फिर से दिल्ली तलब किया गया है। तो एक बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं मणिपुर से इस वक्त की। मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भाजपा में गुटबाजी जारी है। दो खेमों में बटी भाजपा को एक करने के लिए आलाकमान ने फिर से कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, वरिष्ठ नेता टी एच विश्वजीत सिंह और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता वाई खेमचंद को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली से बुलावा मिलने के तुरंत बाद विश्वजीत सिंह और वाई खेमचंद आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और वहीं एन बीरेन सिंह दोपहर 3 बजे इम्फाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ इम्फाल से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए। जी शरद चंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो गए हैं बीरेन सिंह, विश्वजीत सिंह और वाई खेमचंद फिर से दिल्ली, 2 दिन पहले ही बीरेन सिंह और विश्वजीत सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिलके आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलके आए हैं और आज फिर 2 दिन बाद उन्हें दिल्ली तलब किया गया है, तो क्या अधिक जानकारी है आपके पास इस बारे में? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये एन बीरेन सिंह केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मणिपुर और थोंगाम विश्वजीत बीजेपी की अल्लाह ये बहुत सीनियर लीडर है। ये और एक के शरणा देवी 2 दिन पहले ही ये लोग इम्फाल आए थे। 3 दिन दिल्ली दौरे के बाद वो सबसे पहले उनको तलब किया गया था ये पिछले मंगलवार। फिर 2 दिन ही हुई है इन तीनों की इम्फाल वापसी। फिर आज अचानक ये पता चला कि ये एन बीरेन सिंह, थोंगाम विश्वजीत सिंह और साथ साथ वाई खेमचंद पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको भी दिल्ली तलब किया गया और तीनों अब इम्फाल छोड़ चुके हैं और हो सकता है कि शाम तक उनकी उनकी दिल्ली पर बीजेपी हाईकमान से मीटिंग हो और साथ साथ जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो, यही संभावना जताई जा रही है। आज सवेरे करीब 9:45 पर थोंगाम विश्वजीत बीजेपी की सीनियर लीडर ये सबसे पहले ये इम्फाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई और उसके बाद दोपहर 2:45 पर ये एन बीरेन सिंह और वाई खेमचंद वो दोनों भी दिल्ली के लिए इम्फाल हवाई अड्डे से रवाना हुई है और हमें मिली जानकारी के अनुसार शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे और उनकी दिल्ली तुरंत पहुंचने के बाद बीजेपी हाई कमान से सबसे पहले बात होगी और उसके बाद आने वाले दिनों में हो सकता है कि कौन बने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, उस पे कुछ बात हो सकती है। और जहां तक जो हमें रिपोर्ट जो मिली है ये अभी दिल्ली दौरे पर गए हैं, हो सकता है कि कल शाम तक वापस आए और उसके साथ साथ शायद 21 तारीख को मणिपुर पर जो ऑब्जर्वर मणिपुर की खास करके जो लीडर लेजिस्लेटर जो 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 चुनने की जो जो उसमें निर्मला सीतारमन और किरण रिजिजू दोनों को इसके लिए जिम्मा सौंप दिया गया है। हो सकता है कि 21 तारीख तक आए और तुरंत मणिपुर में चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे उसकी घोषणा की जाए और साथ साथ नए सरकार की गठन हो, यही उम्मीद अभी लगाया जा रहा है। शरद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।